Well, Modi's cabinet met a short while back. Let's quickly cut across to the briefing that we're getting in by the finance minister. The first decision is in relation to the regularization of unauthorized colonies in Delhi. The cut-off date for the regularization, which was earlier 31st March 2002, has been extended to 1st June 2014. तो जो पहले कट ऑफ डेट 31 मार्च 2002 तक की थी उसको पहली जून 2014 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. इस सारे का असर यह है कि 895 कॉलोनीज को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 60 लाख पॉपुलेशन को इसका लाभ मिलता है. इसकी डिटेल इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स करेंगे और रेगुलराइजेशन की वजह से जो बाकी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं इन कॉलोनीज में उसकी सुविधा भी यहां के रहने वाले लोगों को मिल पाएगी. दूसरा एक प्रमुख निर्णय था आज लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 को लेकर. द कैबिनेट रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट the promulgation of an ordinance to amend the Land Acquisition, Rehabilitation and Settlement Act. इसके कई प्रावधान हैं जिनमें संशोधन किए गए हैं. इसकी अर्जेंसी ये थी कि इस एक्ट का एक सेक्शन 105 है, एक वर्ष के भीतर जो शेड्यूल 4 में 13 ऐसे कानून आते हैं जिनको इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया था, जिनके दौरान कोई एक्विजिशन हो, तो रेलवेज का, हाईवेज का, एटॉमिक एनर्जी का, ऐसे 13 कानून हैं जो शेड्यूल 4 में थे. उन कानूनों पे कौन सा प्रावधान अप्लाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये कानून नोटिफाई होने के एक वर्ष के भीतर नोटिफाई होना था. ये एक्ट 1 जनवरी 2014 से नोटिफाई हुआ था. सो विच प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर टू अप्लाई टू द एग्जेम्प्टेड एक्ट्स, दिस वाज वन क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन वाज दैट देयर वाज एन इंप्रेशन क्रिएटेड एंड विच वाज रियलिस्टिकली सो after extensive consultations with state governments and other stakeholders with regard to the process of acquisition. The priority of the government was that the interest of the farmers whose land is likely to be acquired is also paramount. At the same time, it has to be balanced with the developmental needs of the society. Keeping this in mind,
there are two important decisions in this ordinance with regard to keeping the interest of the farmers in mind. The provisions relating to payment of higher compensation, relief and rehabilitation will remain untouched. So, jo higher compensation hai, jis kisi ki zameen acquire hogi, usko wo milta rahega. R&R package usko usi prakar ka milta rahega. Section 105 ko amend karke, ye pravdhan bhi dala gaya hai, ki jo zameen un exempted acts mein bhi acquire hogi, जो इस एक्ट का कॉम्पेंसेशन और आरएनआर पैकेज है उन 13 एक्ट्स पे भी वही लागू होगा. सो द हायर कॉम्पेंसेशन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन विल अप्लाई इंटायरली टू दिस एक्ट एंड आल्सो टू द एग्जेम्प्टेड 13 एक्ट्स. इसके साथ साथ इसको बैलेंस करते हुए जो डेवलपमेंटल आवश्यकताएं हैं सोसाइटी की और जो इस एक्ट में कहीं कमी थी, इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया है सेक्शन 10 कैपिटल ए. उसमें 5 पर्पसेस डिफाइन किए गए हैं. पहला, मैं 5ों पढ़ देता हूं. सच प्रोजेक्ट्स वाइटल टू नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉर डिफेंस और डिफेंस प्रोडक्शन. अब ओरिजिनल एक्ट में डिफेंस ऑफ इंडिया और नेशनल सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड पर्पस नहीं थे, तो आपको डिफेंस की कोई सीक्रेट इंस्टॉलेशंस भी करनी है और उसके लिए जमीन चाहिए तो आपको उसी प्रक्रिया में से जाना पड़ेगा. सो पहला है डिफेंस ऑफ इंडिया. दूसरा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन. तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, अगर वो बननी है या कोई और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है, वो एग्जेम्प्टेड पर्पस नहीं था. तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर पुअर पीपल. फाइनेंस मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में अफोर्डेबल हाउसिंग डिफाइंड है. चौथा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स. ये कॉरिडोर्स इसलिए रखा गया कि कॉरिडोर से एक कंपोजिट डेवलपमेंट होता है. अगर मान लीजिए कोई 200 किलोमीटर का कॉरिडोर बनता है और हाईवे के दोनों तरफ एक एक किलोमीटर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है, तो उसका पूरे एरिया पे जो ग्रामीण क्षेत्र साथ में होता है, एक बैलेंस डेवलपमेंट उसका होता है. और पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेयर ओनरशिप ऑफ लैंड कंटिन्यूज टू वेस्ट इन गवर्नमेंट. सो पहला नेशनल